मालवा माटी के प्रसिद्ध संत गोविंद जानी के द्वारा सीहोर जिले के आष्टानगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आष्टा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रंजीत सिंह गुणवान के पुत्र सोनू दीक्षा गुणवान के द्वारा मुख्य यजमान की भूमिका निभाई जा रही है। विभिन्न कथा प्रसंगों के माध्यम से संत गोविंद जाने विनोद नागर ने श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति नित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरे के धन पर नजर रखता है वह दुष्ट है और जो दूसरों की पीड़ा पर नजर रखता है उसे दूर करने की इच्छा रखता है वह कलयुग में महात्मा कहलाता है। संत गोविंद जाने ने कहा कि भक्ति करो तो भीतर से करो, भक्त को झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसके भीतर दया हो, जिसके भीतर करुणा हो, जिसके अंतकरण में नर और नारायण हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, जो व्यक्ति नित मंदिर जाता हो प्रभु की नजर उस पर हमेशा बनी रहती है। कथा प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए संत गोविंद जाने विनोद नागर ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की नजर में चढ़ जाता है दुष्ट और शत्रु की नजरें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के दौरान संत गोविंद जाने पंडित विनोद नागर के द्वारा प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु भक्ति भाव होकर थिरकते रहे। कथा पांडाल में खुशियों का माहौल बना रहा। मुख्य यजमान के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने समापन के दौरान विधिवत भगवान की पूजा अर्चना की। भगवान से सभी के कल्याण की प्रार्थना की गई। आदर्श न्यूज के लिए आष्टा से पत्रकार प्रवेश शर्मा की रिपोर्ट। हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।